ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। नवंबर 25, 2023। बाप दादा मधुबन, शिव बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन। बुलबुल का आवाज़ बड़ा मीठा होता है, तो बाबा के बड़ी मीठी तरह से ज्ञान सुनाओ। तो क्या करो, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। बाबा ने वर्ड यूज किया लौकिक, और दूसरा है पारलौकिक, तीसरा है अलौकिक। सबका नाम बाला होता है। जितनी मिठास से ज्ञान देंगे, दूसरों को समझाएंगे तो स्वीकार करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। कब? जब ज्ञान मीठा मीठा मीठी रीति से सुनाते रहेंगे तब। प्रश्न है, कहावत है, अपनी गोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी गोट न अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। चेक करना है कि बाप की याद में बैठते हैं तो बुद्धि योग कहीं भागता तो नहीं है। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। अब कहते हैं याद के बिना नशा चढ़ नहीं सकता, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। याद में सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान डालता है। संडे की मुरली बाबा की, लास्ट संडे की। आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट देह के साथ होता है, इसलिए देह अभिमान ज्यादा नहीं है। उसमें भी संस्कार जो भरे पड़े थे षड जन्म के, वही बीच में आते। संबंध और पदार्थ में तो बाबा कहते हैं अभिमान देह अभिमान लाते हैं, मगर संस्कार सबसे बड़ी चीज है जो अंदर छिपे भरे होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान छोड़ना ही है, कुछ भी हो जाए, और प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते, क्यों? देह अभिमान। मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। मुझे ही क्यों बीमारी आई, हैरान परेशान। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। बाबा कहते हैं दर्द कम करने का सबसे अच्छा तरीका है याद, बाबा की योग। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खाके। बाबा कहते रात सत्य त्रेता, सॉरी द्वापर कलयुग, और दिन सत्य त्रेता, है ना। रात गवाई सो के सोए ही रहे अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर, और दिन में कुछ नहीं किया, सुख में से कोई याद परमात्मा को करता नहीं है, इसलिए खा पी के सुख गवा दिया। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, तूने रात गवाई सो के। एक दो को समझाते भी है, अनेक प्रकार की मते गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डाल माला पहनते हैं। जिसने भी अपने ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा होगा, उनके पास ऐसा कपड़ा रहता था। आज भी कहीं जो बड़े भक्त हैं उनके पास लाल कलर का गौमुख का कपड़ा रहता है, उसके अंदर हाथ डालकर उसके अंदर माला रहती। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब क्या कहता है, फैशन है, क्योंकि बाहरी दिखा हुआ है सब कुछ, अंदर कुछ नहीं चलता, कुछ और है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, इसलिए बाबा कभी नहीं कहता तिलक लगाओ, कभी नहीं कहता है। क्यों? आत्मा समझो, यही है तिलक लगाना। बाबा नहीं कहते भक्ति मार्ग में, भक्ति में जाओ, पूजा पाठ करो, तपस्या करो। क्यों? क्योंकि सबका जो एम है, लक्ष्य, भगवान को मिलना, खुद मिल गया फिर क्या जरूरत है बाहर का दिखावा करने की। इसलिए बाबा कहते सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का,
एक ही बात है बस, इसके सिवाय विकर्म विनाश हो नहीं सकते। सिमर सिमर सुख पाओ, मगर कब? जब आत्मा समझेंगे तब। इसमें माला सिमरने की बात नहीं, कोई लौकिक सॉरी कोई स्थूल माला सिमरने की बात नहीं है। मन के फेरो और बुद्धि से विजुलाइज करो, यही है सिमरना। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें भी समझाया जाता है तुम मात पिता हो। गीत में भगवान को ही रचता बाप कहते हैं, बाकी सब है उनकी रचना। कोई रचता हो ही नहीं सकता भगवान के सिवा जो पांच तत्वों से पार है, जो तत्वों में बंधता नहीं है, जो जन्म मरण में आता नहीं, जो चक्र में आता नहीं, वो रचता है। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? कुछ ना कुछ क्रिएशन करते हैं तो ही उसे क्रिएटर कहते हैं। जरूर यह तो सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। दुनिया में भी कोई बिल्डिंग बनाता है, हाउस बनाता है, तो कोई पुराना थोड़े बनाता है, नया ही बनाएगा ना। उसी तरह परमात्मा शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, पॉजिटिविटी का सागर, वो थोड़ी पुरानी दुनिया बनाएगा। इसलिए वो नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, आगे तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। तो सबसे पहली बात ये, माता पिता है तो फादर हुआ ना, फादर है तो मदर भी चाहिए, जरूर चाहिए। मदर के बिना फादर रचना कैसे रचेंगे? मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते। दुनिया में जो क्रिएशन है वैसे उनकी क्रिएशन की प्रोसेस नहीं है मेथड, उनकी मेथड है एडॉप्शन की। ज्ञान के द्वारा नया जन्म देकर क्रिएशन होती है। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, पापा एक ही है, फादर सबका एक ही है, शरीर के नाते मेल फीमेल है, दो भाई बहन हो गए। फिर विकार की दृष्टि जा न सके, एक माता पिता है ने। तो यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। माता पिता है तो आपस में भाई बहन। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, उसके सिवाय कोई सृष्टि की रचना कर ही नहीं सकता। हम बालक थे अब फिर बने हैं, बाबा के बच्चे थे, 5000 वर्ष के बाद रिपीटेशन ऑफ साइकिल होता है, फिर से बने, चक्र है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं। तब तक तो पता ही नहीं था कि माता पिता कौन है। 84 का चक्कर पूरा था, हुआ बाबा को पुकारा बड़े दिल से सबने, तब बाबा आया और उस माता पिता के हम बने। तब तक पता ही नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं कि मात पिता के बने हैं 84 जन्मों का चक्कर पूरा होने के बाद, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। तुम मात पिता हम बालक थे, मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। फादर के पास जो मिल गया तो होगी वही देगा, वो सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर तो वही देगा। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं। किसी को पता नहीं है, गाते जरूर हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, कुछ पता नहीं। टीचर भी है, सतगुरु भी, वो भी पता नहीं है, गाते जरूर हैं। तो माता पिता हम बालक थे, मगर रियली माता पिता बनते हैं, वही टीचर बनते हैं, वही सदगुरु बनते, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, लेसन नंबर 6 में पूरा का पूरा 9 संबंध क्लियर कर देते हैं। उसमें मुख्य 3 संबंध, बाप, टीचर, सदगुरु।
हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे। किसकी औलाद है? डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा है, उनके द्वारा एडॉप्शन होती है। कहलाते भी है क्या ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव कुमार शिव कुमारिया नहीं है, उनको भी रचने वाला वह है। किसको? ब्रह्मा को भी। सुख गनेरे पाने के लिए मात पिता से राज्य योग सीखने, राजा बनने का योग, राजा पद पाने का योग। सुख गनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, क्योंकि भविष्य सुख में तो उनकी जरूरत नहीं, उनको कोई पुकारते नहीं बुलाते ही नहीं है। जब हम दुख में है तब शिक्षा मिलती है, क्यों? सुख में जाने की। जब तक शिक्षा न मिले, ज्ञान न मिले, तब तक जा न सके, तब तक बन न सके। डॉक्टर बनना है तो मेडिसिन पास करनी ही होगी, ज्ञान लेना ही होगा, वो मेडिसिन की शिक्षा मिलेगी तो ही डॉक्टर बन सकेंगे, वह जो भी कोर्स से इंजीनियर बन सकेंगे, वरना नहीं। वही माता पिता आकर सुख देते। एडम और ईव तो मशहूर है ने, है ना? कोई ब्रह्मा कहे, कोई एडम कहे, कोई आदम कहे, जोड़ी में एडम एंड ईव, आदम एंड बीबी, ब्रह्मा एंड सरस्वती, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। कौन? जिसके जिसके द्वारा रचना हुई, वो भी किसकी रच क्रिएशन है? परमात्मा की। तो गॉड फिर कौन? अब कहते प्रश्न पूछो। बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं वह सब धर्म वालों के लिए, क्योंकि सबका पिता है। सारी दुनिया की उस बाप से, सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि और टूटा हुआ, क्योंकि कोई जानता नहीं। डे बाई डे तमो प्रधान बनते गए, कुछ भी पता नहीं चला, कोई भी धर्म हो कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, चक्र क्या है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, और ही बुद्धि योग तोड़ती है। देखते हैं ना माया का अलग अलग रूप है ना, आजकल देखो इंटरनेट कंप्यूटर सिनेमा मोबाइल सब क्या है। अब कहते हैं मिस यूज ज़्यादा होता है, 90% पीपल आर सीइंग वेस्ट एंड नेगेटिव। तो क्या है ये? सबसे बड़ी माया है। इसलिए बाबा कहते हैं माया गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर गोष्ठ पर चित प्रनाथ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भूतनाथ। एक बाबा की यादगार है, शंकर के रूप में बताया शिव को, और कहते हैं भूतों का नाथ। तो क्यों? भूत पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं ना, यह है ही गोष्ठों की दुनिया। रिद्धि सिद्धि भी क्या है? बाबा कहते हैं माया है, गोष्ठ है, दूसरा कुछ नहीं। काम विकार रूपी गोष्ठ एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है ना। गीता की शुरुआत कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, गोष्ठ आया तो कर्म क्षेत्र लड़ाई का क्षेत्र, और अच्छाई आई तो धर्म क्षेत्र। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं, तो यह भी समझाया है गोष्ठ नाम बाइबल में है ना। गोष्ठ कहो, रावण कहो, राक्षस कहो, डेविल कहो, जो भी नाम कहना हो, रावण माना गोष्ठ, यह है ही गोष्ठ का राज, रावण राज। सतयुग राम राज में गोष्ठ होता नहीं, वहाँ सुख घनेरे होते, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। अकी चार सुख संपत्ति है, कोई कमी नहीं है। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है, शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, वो देवता है सूक्ष्म प्रवर्तनवासी। दूसरे धर्म वाल को ज्वालो जिसको एंजल्स कहते हैं, वही एंजल्स है हिंदुज्म के लिए, सोल फॉर्म नहीं है इनका। शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अथवा ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं, वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते। चर्च में चले जाओ, यह भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ
क्या है, भारत एक गांव है। तो समझाना है तो माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, आते हैं ब्रह्मा के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने। करने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं क्योंकि ज्ञान उनका है। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्ति है, बाबा कहते युक्ति से मीठी मीठी बातें समझाते हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है ये शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आता है ना, इसलिए बाबा कहते बजाओ और समझाओ। वह बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, साइकिल पास्ट, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। करने वाला वो है, बुद्धि में धारणा करने, कहाँ मन में नहीं, बुद्धि में। नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं बीच में विघ्न डालते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए क्या? भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वो कोई ब्रदर नहीं है, फादरहुड नहीं है, ब्रदरहुड है। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है, सुप्रीम है, सर्वोपरि है, जन्म मरण से ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको ना सूक्ष्म चोला है ना सूक्ष्म सॉरी ना स्थूल शरीर है, कुछ नहीं। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते ने, वो तो बाबा आने के बाद शिव बाबा की पधरावनी होती है, उनके बाद वो सूक्ष्म वतन क्रिएट करता है, तब तक सूक्ष्म वतन भी नहीं होता है। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा, प्रजा का पिता है तो कितनी सारी प्रजा होगी ना। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं है, भुजाएं उनकी संतान जो शिव बाबा एडॉप्शन करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता, जो ड्रामा में था उसी के अनुसार समय के अनुसार धर्म आते हैं, हर धर्म का शास्त्र निकलता है। ब्रह्मा का दिन था फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, मतलब ब्रह्मा की रात, वह चला आ रहा है, यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते, कोई दूसरे सिखला नहीं सकते, सब भूले हुए हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए, सिखाने वाला बाप है। कहते हैं ने अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। बुद्धि योग भागता रहते, बाप कहते कब नशा चढ़ेगा, जब बुद्धि का योग बाप के साथ रहेगा तब। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, बाबा के घर में बैठते हैं या तो मुरली सुनते हैं तो भी क्या होता है, बुद्धि भागती रहती, कुछ न कुछ याद आ जाता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं ना, लास्ट संधि की अवैध मुरली, देह अभिमान, बाद में संबंध संपर्क और तीसरा पदार्थ, देह के पदार्थ, देह के संबंधी और देह के संस्कार, उसमें खास देह के संस्कार, इसलिए देह भान छूटता नहीं है, और जब तक देह भान छूटे नहीं तब तक बाबा कहते योग लगेंगे।
बाबा ने सबसे बड़ी अच्छी युक्ति क्या बताई, बेहद का वैराग्य, हद का नहीं मन बुद्धि से। थोड़ी बीमारी होती है बाबा कहते तो परेशान हो जाते, शान से परे। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए क्या, माता पिता जो नंबर वन पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। जितना नंबर आगे उतना ज़्यादा पीछे, उतना ही जितना ऊंचे उतना ही नीचे। उनको तो बहुत भोगना भोगनी पड़े। सुनो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को सबसे ज़्यादा भोगना भोगनी पड़ी हिस्ट्री पर, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। जितना बीमारी आती है बाबा कहते अच्छी बात, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और जितना योग में रहेंगे बीमारी हटेगी। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, किनको, दादा को, ब्रह्मा को, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते। क्या बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। नशा और नशा का, नशा ही आधार है खुशी का, राशन की मुरली, जान चली जाए मगर खुशी न जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं। शुरुआत बाबा ने मुरली की खुशी से की थी। तो बाबा कहते हैं क्यों उनको दुख नहीं बाजता है, क्योंकि नशा रहता है, खुशी में रहते। बहुत अच्छे अपने, बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, आत्मा नहीं समझेंगे तो खुशी कैसे। सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है, कौवा नहीं बनना। स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्ञान नहीं सुनाना, युक्ति से सुनाना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती है। फील्ड में तो सेवा के क्षेत्र पर वहाँ की बात है। भीष्म पिता मह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है परमात्मा। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है बाबा कहता है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शोक करते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं है, लोग भी जानते मगर खुश हो जाते हैं। तो किसका नाम वाला होता है, लौकिक और पारलौकिक दोनों माता पिता के। लोक परलोक सुहेला होता है ने, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, हमें उठाना है धीरे से। ये अभी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएगी। कुमारी का मान होता है ने, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, पर माता ये है परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ने, क्योंकि नया जन्म होता है ज्ञान से, इसलिए कुमारी कहते। ब्रह्मा कुमारी, कुमारियाँ बड़ी अच्छी अच्छी निकलेगी, छोटी छोटी बच्चियाँ ही बड़ा शो करेगी, है ना। काफ़ी हमारी बहने माता की जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ताता ने वीडियो, कोई कोई की छोटी बच्चियाँ बड़ी अच्छी है परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ने। यह मोह बड़ा खराब है, क्यों, लास्ट अध्याय का लास्ट गीता का, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक मोह नष्ट होना इम्पॉसिबल। यह भी एक भूत है, मोह बाप से बेमुख कर देता है। गोष्ट माया का धंधा ही है क्या, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना, दूर करना। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है, बाबा बार बार ये महिमा कर रहे गीत की। इनसे ही अक्षर मिलते हैं, तुम मात पिता हम बालक थे, अक्षर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते, कपल दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं, देखो पूरी गीता पढ़ लो, कहीं भी राधे का उल्लेख ही नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, क्योंकि गाई किसने है, परमात्मा ने गाई, इसलिए नाम नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी आदि आदि, पर शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं,
अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए हैं, हम भी थक गए थे ना, तो इसलिए तो आए बाबा के वहाँ, कुछ नया ढूंढ रहे थे। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए भक्ति का फल ज्ञान और ज्ञान का फल परमात्म मिलन होता है, तब तक नहीं हो सकता। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, ब्रह्म मन जिसका मन ब्रह्म में स्थिर था, सोल कॉन्शियस, उनमें भी नंबर वार है, कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है। क्या तोड़ना है? मुख्य बात है देह अभिमान। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है, मात पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, यह ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन दिया है। अब बाबा को तो इस बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ने, क्योंकि खुद उस पर सवार होते हैं ने। पहले तो समझता था मैं आत्मा इन रथ को खिलाता हूँ, ब्रह्मा यह भी रथ है ने, अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, ये उसमें आता है वो, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं ने। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं दादा हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, एक ही शरीर है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया। खिलाते हैं तो बाबा को खिला रहा हूँ, स्नान कराते तो बाबा को स्नान करा रहा हूँ। शिव बाबा कहते मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ, उनको अपना शरीर है ही नहीं तो कैसे खाए। बाबा खिलाते हैं खाते नहीं, ये सब किस्म किस्म के ख्याल चलते हैं स्नान के समय घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है ने। बाबा खुद ही कहते हैं क्या बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते कौन? ब्रह्मा मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का, सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है ने, खाली प्रजा नहीं है, खाली राजा नहीं, सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का, छोड़ना नहीं है, कच्चा बाबा कहते आधा वर्षा नहीं लेना है पूरा, अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, कल्प कल्प निमित बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए, कल्प कल्प के लिए पढ़ाए, यानी निमित बाबा ने सबको निमित बनाया, ब्रह्मा कुमार को वर्षा दिया कल्प कल्प, और ये कल्प कल्प के लिए पढ़ाए, इसमें बहुत ध्यान देना है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, कोर्स कर दिया फिर ओके बाबा कहते हैं, बिल्कुल सहज कर देते, ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, इसका मतलब ये नहीं ड्रामा निकल जाए, ड्रामा रहना चाहिए, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है ना, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ बाप से वर्षा ले सकते हो, हम सब कहाँ बैठे फॉरेन कंट्री में बैठे, नॉर्थ अमेरिका कहीं भी जाओ, कोर्स किया यहाँ अगर भी काफ़ी लोगों ने कोर्स किया कहीं भी, क्योंकि अब तो सब कुछ फैसिलिटी साधन हो गई है, मैंने कहा ना साधन और साधना का बैलेंस लास्ट मूल्य, क्योंकि साधन बढ़ेंगे साधना मर्ज न हो जाए उसका ख्याल रखना है,
सिर्फ एक हफ्ता धारण करके जाओ वक्त, एक हफ्ता बड़ो ज्ञान लो पूरा। भगवान के बच्चे हैं तो भाई भाई ठहरे न, प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। युक्ति है बाबा की सबसे बड़ी, बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए क्या करना, ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शोक, कब त्याग होगा, जब आत्माभिमानी बनेंगे, स्मृति लब्धा स्मृति स्वरूप बनेंगे, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। कुछ भी हो जाए बाबा का, हमें बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है। आज का वरदान है समय प्रमाण, ऐसा समय उसी के अनुसार। रूप बसंत अर्थात ज्ञान व ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भाव, तो अपने पर शासन कर सकेंगे और शासन करेंगे तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे और स्वराज्य पूरा प्राप्त करेंगे तो ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो बाबा समझाते हैं, जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, रूप योग बसंत ज्ञान दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बात, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए, लास्ट मुल्ली संधि की, खाली स्टॉप नहीं फुल स्टॉप। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर, और कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर वाले ही राजा रानी बन सकते हैं, महाराजा महारानी बन सकते, बाकी नहीं। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। कैसे देना है, मन वचन कर्म से। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, टाइटल है मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। क्या मांगती है मनुष्य आत्मा और क्या प्राप्ति है? तो मम्मा कहती है, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे, अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख दे। नाम ही है सुख करता दुख हरता। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कह करके बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है, कुछ भी पता नहीं, भूले हुए हैं। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब तो वो सुख नहीं है, समय चला गया। तब मनुष्य की यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, पता नहीं कहाँ से मिलेगा, इसलिए स्थूल में आ जाते हैं, धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पति व्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना, मम्मा कहती अंत में, सबकी इच्छा क्या होती है, किसी के भी द्वारा, पदार्थ के द्वारा, बच्चे के द्वारा, या तो
अपने पति के द्वारा क्या चाहना रहती है, सुख की। तो परमात्मा की कोई, परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। सतयुग का वर्णन है ना 1980 की मुरली पढ़ लो पहली दो, जहाँ स्त्री कभी दुहागिन, सुहागिन नहीं दुहागिन मतलब विधवा नहीं बनती, तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं, देख रहे सब दुनिया की हालत। अच्छा, ओम शांति।